जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलें परेशानियों और टेंशनों को दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो सहरी और इफ्तारी है वो है 23। सुबह में हो रहा है, इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा। जी आप लोगों को एक और बात बतानी है कि इसकी जो बहन थी ना बेला, वो रात को एक्सपायर हो गई है। ये जो है ना बहुत अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि वो इसके साथ खेलती थी और रात को मैं देर से सोई थी इस वजह से भी कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मैं उसके चक्कर में लगी थी। और आज जो है ना मैं रात में थोड़ा सोई भी हूँ शुक्र अल्लाह का, और पता नहीं मेरी आँख में क्या चाहिए थी। मीमी की तबीयत ख़राब, लेकिन अचानक एक ही दिन में वो बेला जो है ना चली गई है मैं छोड़ के। खैर अल्लाह और देगा, जानवर होते हैं, इंसान लगता है उनको पालता है तो मोहब्बत हो ही जाती है। उम्मीद मुझे ये नहीं थी कि मैं थोड़ा सा भी ना कि मैं इतना माशाल्लाह माशाल्लाह सब व्लॉग्स डाल पाऊँगी, लेकिन मैंने डाल दिए कि आज 23 सहरी को इफ्तारी व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। अल्लाह ताला करेंगे मैं इसको डाल लूँ प्रॉपरली। पीछे आसमान देख रहे हैं, बादलों से भरा हुआ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सर्दी लग रही है, कुछ मौसम का समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो आज अपनी हालत को भी दुरुस्त करेंगे और इंशाल्लाह सोएंगे नहीं आज, मतलब आज रूटीन ठीक है, जागेंगे और प्रॉपर अपनी नमाज भी अदा करेंगे, सब कुछ करेंगे यार, बहुत हो गई है। चलें जी अब मैं जा रही हूँ सोने, उठूँगी फिर इंशाल्लाह फिर ब्लॉग बनाऊँगी। पता नहीं मेरी आँख में क्या चल रहा है, ये बहुत दर्द कर रहा है। स्टे ट्यून बने रही है मेरे साथ। फिर जी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने नानी के घर पे आ गई थी, मैं अपने बड़े मामू के कमरे में आई, तो बच्चे शॉपिंग करके आए थे तो मामा ने मुझे शॉपिंग दिखाई है। तीनों भाई बहनों के हसनैन बिस्मा और हरम के जूते हैं, सैंडल्स हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। और ये दोनों बहनों की फ्रॉक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्राइस में मिल गए। तीनों सूट जो है ना भाई बहनों के वो 3700 रुपीज़ के पड़े, और चप्पलें जो है ना मतलब कि सैंडल्स वगैरह किटर्स वगैरह वो 3000 रुपये में तीनों बहन भाइयों की मिल गई। सही मिल गए, अच्छा मिल गया भाई, वरना बहुत ही ज़्यादा महंगाई और करीबी हमारे बाज़ार से मिल गया। पर्सनली ना मुझे हसनैन का कुर्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, देखें कितना अच्छा सा इस पर वर्क हुआ है और बहुत ही शाइनी। और ये दोनों बहनों की पहले दिन की फ्रॉक है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। बड़े मामू हैं और ये लाए हैं अपने लिए चप्पल, देखें कितनी अच्छी चप्पल लाए। चलो अनबॉक्सिंग। टिकटॉक पे आता हूँ मैं, मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मेरी वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे। थैंक यू। ये है भाई चप्पल मामू की, वाह भाई वाह, कमाल कर रही। अभी मैं जा रही बाहर, समथिंग न्यू, कुछ अच्छा होना चाहिए, तो मैंने कहा आज कुछ बाहर से खाते हैं और बाहर की रौनकों को शूट करके लाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी एक रूटीन देख देख के थक गए। ठीक है, अभी मैं नहा के आई हूँ, अब मैं जल्दी से फिर आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और आज क्या कर रहे हैं। यहाँ कितनी लाल थी आज, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और अभी भी मेरी आइस रेड ही हो रही है, तो मैं शायद डॉक्टर के पास भी जाऊँ। जो जो तरीका आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। तो जी यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी स्टडी एंड द गो, और बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने अपना वही वाला सूट पहना जुम्मे वाला, और मैंने कहा चलते हैं हम लोग, बस सादा सा कोई तैयार व्यार नहीं हूँ मैं, बस बाल बनाए और अच्छा सही से पहना और हम दोनों निकल पड़े। मैं अपने भाई के साथ गई थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया, कुछ न्यू हुआ और मैं एक ही रूटीन से जो है ना पक चुकी थी, तबीयत ही ख़राब हो गई मेरी घर में रह रहकर। तो हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा फन किया जाए और बाहर निकला जाए और देखा जाए क्या रौनकें लगी हुई है। ये आगे मेरे भाई बाहर चले गए तो मैं इनसे नाराज़ हो गई थी। फिर हम लोग पहुँच गए 7 नंबर, और ये है मिस्टर बीबीक्यू। 7 नंबर में इनका स्टॉल है और ये बहुत ही अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं, माशाल्लाह से ग्रिल वाला बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। मुझे पहली दफ़ा शावरमा पसंद आया, वरना मैं शावरमा खाती नहीं हूँ। तो जी इनके पास बैठ के खाने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि लड़के थे यहाँ पर बैठे हुए थे, तो हम लोग वहाँ से निकल गए कहीं खाने के लिए। तो मेरे भाई को एक जगह पता थी सीक्रेट वाली, क्योंकि वो भी वहीं पर खाता था अक्सर, तो वो मुझे वहाँ ले गया। मैंने कहाँ लेके जा रहे हो, तो वो कहने लगा अभी अपन लोग यहाँ से ट्रस्टी से जो है ना वो पियेंगे सोडा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग पहुँच गए अपनी सीक्रेट जगह पर, हमने वहाँ
वहाँ पे खड़े होकर खाया ही, इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। आप लोगों की ब्लॉगर रोडों पे खाना खा रही है। फिर खाते खाते मेरी नज़र इस बंदर पर पड़ी, इस शख्स पर पड़ी। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। जो भी मजबूर हैं, बेबस हैं, अल्लाह पाक। और यहाँ पे हम लोग थर्स्टी पे पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने सोडा का ऑर्डर कर दिया और भाई ने बना दिया सोडा VIP सा। लेकिन मुझे मैंगो वाला पसंद नहीं है, मुझे मैंगो सोडा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन पता नहीं क्या कर दिया इसने मेरे सोडे। भाई ने लिया था आलू बुखारा वाला सोडा और मैंने लिया था मैंगो वाला सोडा। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं 11 नंबर। और यहाँ जो है ना बहुत ही आला आला बिरयानियाँ मिलती हैं। और अब जो है ना व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। मैं आप लोगों को पूरे हैदराबाद की लतीफाबाद की सैर कराऊंगी और एक एक स्ट्रीट फूड आप लोगों को बताऊंगी कौन सा अच्छा और कौन सा नहीं है इंशाल्लाह। इसलिए तो कहती हूँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले भाई। तो फिर हम लोग आ गए हैं कराची आइसक्रीम जो कि 8 नंबर में है। और जी फिर यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम ली, मैंने चॉकलेट वाली ली, भाई ने पिस्ता वाली ली। और ये बहुत ही अच्छा आइसक्रीम पार्लर बना हुआ है, कम्फर्टेबल है, फैमिली के लिहाज से हर कोई आके बैठ सकता है अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे। और फिर हमारी आइसक्रीम यहाँ पे स्कूप भर के, हमने कोन ली थी ना, कप में नहीं ली थी। और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी आइसक्रीम भी और बहुत ही सस्ते प्राइस में। अच्छा शवरमा जो थे ना दो, वो थे 320 रुपये की, आइसक्रीम थी 200 रुपये की, दो कोन। तो यहाँ पे मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय करी, मेरे भाई की पिस्ता फ्लेवर थी, मेरी चॉकलेट फ्लेवर थी, बहुत ही ज़्यादा। असल ना दरअसल ना मुझे खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने अपने भाई से कहा खा लो, कह रहा खुद ही खाओ भाई, मेरे पेट में अब बिल्कुल भी जगह नहीं। फिर हम लोग निकल गए 5 नंबर की तरफ। मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ घुमानी है, एक एक जगह दिखानी है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं मेरे। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ 2 नंबर 5 नंबर हर जगह आप लोगों को मैं एक्सप्लोर कराऊँगी, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 5 नंबर पहुंच गए, यहाँ से हम लोगों ने भाई और मामा के लिए फूड लिया क्योंकि उन लोगों ने भी खाना नहीं खाया था। मेरी हिम्मत नहीं थी बनाने की, तो मैंने कहा लेके ही चलते हैं, अब वहाँ जाके बनाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ जी ये गौसिया फूड है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कहते हैं वो मिलता है खाना। तो हमने यहाँ से टिक्का और वो लिए गुला कबाब लिए और घर पर आ गए हम लोग। अपनी मम्मा और भाई को हम लोगों ने सर्व किया खाना, इन लोगों ने खाया, हम लोगों ने पानी वानी पिया। तो जी हम लोग आ गए थे और आज का था ये ब्लॉग जो कि मैंने अपने भाई के साथ एंजॉय किया। बाहर भर भोक रहे हैं कुत्ता क्योंकि 1:15 हो गया, हम 12 बजे तक अपने घर पे आ गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग। कुछ चीज़ें आज मैंने एक्सप्लोर करी हैं, कुछ चीज़ें मैं करती रहूँगी एक्सप्लोर, आप लोगों को दिखाती रहूँगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।